जरा थोड़ा नजदीक आइए भाभी जी, ताकि ठीक से नाप ले सकूं। और कितना नजदीक आऊं? मेरे अंदर घुसकर नाप लेने की चाहत है क्या? अरे रे रे रे, आप क्या कह रही हैं भाभी जी, भला मेरी ऐसी औकात कहाँ, मुझे तो बस नाप लेना है, थोड़ा सा मेरी तरफ मुड़िए तो। सूट एकदम से मॉडर्न और जमने वाला ही सिलना विक्की मास्टर। पर उसके लिए तो नाप लेना होगा ना भाभी जी, क्योंकि नाप सही होगा तो ही फिट और अट्रैक्टिव सूट सिल पाऊंगा ना। पर पिछले हफ्ते तो तुमने नाप लिया ही था। वो तो बहुत पुराना हो गया भाभी जी, नया नाप लेकर तो देखना ही पड़ेगा कि नाप कुछ घट बढ़ तो नहीं गया। अगर नाप देने का मूड नहीं है तो मत दो, पर फिर कहना मत कि सूट खराब कर दिया। अगर ऐसी बात है तो ले लो नया नाप, बट सूट एकदम से फिट एंड फाइन हो, समझे? नैन्सी के ये कहते ही विक्की मास्टर की तो जैसे लॉटरी लग जाती है। वो इंची टेप उठाकर नैन्सी का नाप लेने लगता है। वाह, क्या मस्त फिगर है। क्या सोच रहे हो विक्की मास्टर? कुछ नहीं भाभी जी, बस आप पहले से थोड़ी दुबली हो गई हैं, इसीलिए खान पान पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। मेरी बॉडी हेल्थ की छोड़ो, बस तुम अपना नाप लो, समझे? हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ, आप नाराज मत होइए प्लीज। विक्की टेलर एक नंबर का बदमाश आदमी था। वो लेडीज कपड़ों की सिलाई करने के बहाने औरतों की नाप लेता और आधे घंटे से भी ज्यादा का समय नाप लेने में लगा देता। फिर बाद में जैसे ही कोई औरत नाप देकर चली जाती, वो उसके ख्यालों में डूब जाता। ओहो, क्या फिगर था भाभी जी का, एकदम से मस्त। तू तो बड़ा लकी है बे विक्की मास्टर, हर रोज नए नए फिगर देखने को मिल जाते हैं। हे भगवान, मुझे हर जन्म में दर्जी ही बनाकर रखियो। नैन्सी गायत्री की मंझली बहू थी। उसकी सबसे छोटी बहू का नाम रूपा था और सबसे बड़ी बहू का नाम रचना था। उसकी दोनों छोटी बहुएं नैन्सी और रूपा मॉडर्न थी, जबकि सबसे बड़ी बहू रचना बहुत ही संस्कारी बहू थी। एक दिन रचना गायत्री के लिए चाय लेकर आती है। पांव लागू माँ जी। जीती रहो बेटी, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। ये कहकर गायत्री जैसे ही चाय पीने लगती है, उसकी दोनों मॉडर्न बहुएं रूपा और नैन्सी आ जाती है। वो दोनों नए डिजाइनर सूट सलवार में खूब जच रही थी। अरे वाह बहू, सूट सलवार तो बड़े ही खूबसूरत सिलवाए हैं, जरूर विक्की मास्टर से सिलवाए होंगे। जी मम्मी जी, विक्की मास्टर विक्की दर्जी से ही सिलवाए हैं। इस शहर में विक्की मास्टर के अलावा है भी कौन दर्जी जो हमारी मनपसंद के सूट सिल सके। गायत्री की ये दोनों बहुएं हमेशा नए नए फैशन के कपड़े पहनती थी और विक्की दर्जी के गुण गाती रहती थी। नए नए डिजाइन और फैशन के कपड़े सिलवाने के चाव में वे विक्की मास्टर की बदमाशी को हमेशा नजरअंदाज कर देती थी और हर तीसरे दिन उसे नाप देने के लिए तैयार हो जाती थी। जरा थोड़ा नजदीक आइए भाभी जी, ताकि ठीक से नाप ले सकूं। और कितना नजदीक आऊं? मेरे अंदर घुसकर नाप लेने की चाहत है क्या? अरे रे रे रे, आप क्या कह रही हैं भाभी जी, भला मेरी ऐसी औकात कहाँ, मुझे तो बस नाप लेना है, थोड़ा सा मेरी तरफ मुड़िए तो। गायत्री की छोटी बहुएं जितनी अधिक मॉडर्न और फैशनेबल थी, बड़ी बहू रचना उतनी ही सादी और संस्कारी थी। वो हमेशा साड़ी पहनती और चेहरे पर घूंघट तान कर रखती। इसीलिए एक दिन गायत्री ने कहा, रचना बेटी तुम क्यों गए जमाने में जी रही हो, हमेशा साड़ी और घूंघट में परेशान हो जाती होगी, तुम भी एक दो सूट सलवार सिलवा लो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ माँ जी। अरे कैसे ठीक है, छोटी बहुओं को देख रोज कैसे नए नए डिजाइन के सूट पहनती हैं, फिर तू क्यों ना पहने, हाँ तू क्या बहू नहीं है? गायत्री के कहने पर रचना सूट सलवार सिलवाने के लिए राजी हो जाती है और फिर गायत्री अपने बेटे सौरभ से कहती है, बेटा सौरभ ऑफिस जाते समय बहू को अपने साथ ले जाना और इसे दो चार सूट का बढ़िया सा कपड़ा दिलाकर विक्की दर्जी की दुकान पर छोड़ दे जाना। ठीक है माँ। गायत्री के कहने पर सौरभ रचना को अपने साथ बाजार ले जाता है और उसे सूट सिलाने के लिए कपड़ा दिलाकर विक्की दर्जी की दुकान पर छोड़ देता है। कहिए क्या सिलवाना है? मुझे दो सूट सिलवाने हैं। तो फिर आगे आइए प्लीज, मैं आपका नाप तो ले लूं। ये कहकर विक्की रचना का नाप लेने लगता है और नाप लेने के बहाने उसे कई जगह से छूता है। फिगर तो इसका भी बड़ा कमाल का है, इसकी पतली कमरिया तो गजब ढा रही है। विक्की यही सोचते सोचते रचना को कई बार छूता है और रचना को उसकी गुस्ताखी समझते देर नहीं लगती। उसे खुद से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होती तो वो विक्की से कहती है, आप नाप लेने के बहाने ऐसी गलत हरकतें क्यों कर रहे हैं? कौन सी गलत हरकत है जी, मैं तो बस नाप ले रहा हूँ। आप नाप तो नहीं ले रहे, आप तो कुछ और ही कर रहे, आप तो मुझे जगह जगह से छू कर देख रहे हैं। अरे ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। रचना से ये सब सहन नहीं होता और वो घर जाकर विक्की मास्टर की हरकतों के बारे में गायत्री को बताती है। माँ जी, जिस विक्की मास्टर को आप लोग बहुत बड़ा टेलर समझते हैं, दरअसल वो एक घटिया सड़क छाप लोफर है। वो नाप लेने के बहाने औरतों से छेड़छाड़ करता है। तुम ये क्या कह रही हो बहू, जो हुआ साफ साफ बताओ ना।
गायत्री के ये कहने पर रचना उसे विक्की की गलत हरकतों के बारे में बताती है और तभी रूपा और नैन्सी भी वहाँ जाती है। क्योरी रूपा और नैन्सी, जो बड़ी बहू कह रही है उसमें कुछ सच्चाई भी है या नहीं? क्या उस टेलर ने नाप लेने के बहाने तुम्हारे साथ भी कभी छेड़छाड़ की है? ये सुनते ही रूपा और नैन्सी चौंक जाती हैं और अपनी बेवकूफी पर पछताते हुए कहती हैं, हाय राम, वो तो हमारे साथ भी ऐसा ही करता था मम्मी जी। हमारी तो अकल पर पत्थर ही पड़ गए थे जो हम उसकी हरकतों को नजरअंदाज करती रही। कमीना, आधे घंटे से ज्यादा समय तो नाप लेने में लगा देता था मम्मी जी। विक्की टेलर का ये राज सामने आते ही गायत्री उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। बदमाश, मेरी बहुओं को छेड़ता है, अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गायत्री अपनी बहुओं को साथ लेकर उसी समय महिला थाने जाती है और महिला पुलिस अधिकारी को सब सच बता देती है। महिला पुलिस अधिकारी को जैसे ही ये रिपोर्ट मिलती है, वो स्वयं ग्राहक बनकर विक्की दर्जी की दुकान पर पहुंच जाती है। मास्टर जी, सूट बिल्कुल सही नाप का होना चाहिए ताकि पहनने में फिट आ जाए। ओहो, आप चिंता मत कीजिए, बस आगे आकर नाप दीजिए। ये कहकर विक्की मास्टर पुलिस अधिकारी का नाप लेने लगता है और फिर अपनी आदत से मजबूर उसके साथ भी वही करने लगता है जो और महिलाओं के साथ करता आया था, मगर इस दफा उसका पासा उल्टा पड़ता है। जैसे ही वो महिला पुलिस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ करता है, वो उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देती है। बदमाश, टेलरिंग की आड़ में महिलाओं से छेड़छाड़ करता है, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, मुझे क्या? अच्छा, तुझे क्या? एक बार थाने चल, फिर तेरी हड्डी पसलियां तोड़कर बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहकर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा विक्की दर्जी को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया जाता है और इस तरह उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। वो अपनी गलत हरकतों पर पछतावा करता रह जाता है। तू बिना कपड़ों के नहा रही है तो तुझे शर्म नहीं आ रही है? और कपड़े पहन कर नहाने में शर्म आएगी? सामने परियां नहा रही हैं। विमलेश बाबू, ये लड़की कौन है जिसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है? अरे शर्मा जी की बहू है, शहर की छोरी है। क्या बात है, आज हम इसका ही वीडियो बनाएंगे, गाँव का तालाब विद शहरी तड़का। रीता, वो लोग कौन है? बड़े आवारा लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो हम दोनों का वीडियो बना रहे हैं। छोड़ो भाभी, ये रोज की बात है, ये जमींदार का लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ रोज यहाँ आता है। इसे मजा चखाना ही होगा। रीता, यहाँ बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। भाभी, हम सब गांव के तालाब में नहाते हैं। अरे ये गाँव है गाँव, यहाँ तुम्हें बाथरूम नहीं मिलेगा। तुम तो लकी हो कि पापा ने टॉयलेट बनवाया हुआ है। ओह माय गॉड, तालाब तो ओपन होता है, वहाँ कैसे नहा सकते हैं? तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होती? रीता का चेहरा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहती है। अरे भाभी, आप तो इसे स्विमिंग पूल समझो, गांव की सभी औरतें इसे स्विमिंग पूल में नहाने का मजा लेती हैं। वेरी फनी। एनीवेज, कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर चलो। सौम्या अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर तालाब में कूद जाती है। गाँव की औरतें थी उसे देखकर बातें करने लगती हैं। हाय दया, ये क्या, शर्मा जी की बहू ये क्या पहनकर नहा रही है? गौरी भाभी, शहर के चोचले हैं, तुम ना समझोगी। अरे भाई, नहाने के लिए कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे, तुम लोगों ने भी तो नहाने के लिए कपड़े उतारे हैं। हाय रीता, बहुत मजा आ रहा है, तालाब का पानी तो काफी फ्रेश लग रहा है। मुझे भी नहाना है भाभी, मैं भी आती हूँ। रीता नहाने की तैयारी करने लगती है और बाकी गाँव की औरतों की तरह अपने शरीर पर एक कपड़ा बांध देती है। ये क्या, तेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है? मेरे बैग में एक और कॉस्ट्यूम रखा है, तू उसे पहन कर आ जा। छी छी, मैं ये नहीं पहन सकती भाभी, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। कमाल है, तू बिना कपड़ों के नहा रही है तो तुझे शर्म नहीं आ रही है, और कपड़े पहन कर नहाने में शर्म आएगी। वाह वाह, तुम गाँव वाले। ओके। जमींदार साहब का लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गाँव में नहाती हुई औरतों को देख रहा था। क्या बात है, लगता है हम लोग परिवेश में पहुंच गए हैं, सामने परियां आ रही हैं। विमलेश बाबू, ये लड़की कौन है जिसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना हुआ है? अरे शर्मा जी की बहू है, शहर की छोरी है। क्या बात है, आज हम इसका ही वीडियो बनाएंगे, गांव का तालाब विद शहरी तड़का। रीता, वो लोग कौन है? बड़े आवारा लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो हम दोनों का वीडियो बना रहे हैं। छोड़ो भाभी, ये रोज की बात है, ये जमींदार का लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ रोज यहाँ आता है। इसे मजा चखाना ही होगा, कल इसका नशा उतार लूंगी। अगले दिन सभी औरतें फिर नहाने के लिए तालाब पर जाती हैं।
विमलेश पहले से ही अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ था। मिस्टर, ये औरतों के नहाने की जगह है, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अरे भाभी जी, आप आराम से नहाइए, हम तो आपकी रखवाली के लिए यहाँ बैठे हैं, आपके लक्ष्मण। चलो भाभी चलते हैं, बेकार में किसी के मुंह मत लगो। देखिए कितनी समझदार है आपकी ननद, जानती है अगर इसने मुंह खोला तो आप सबके वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो जाएंगे। रीता सौम्या को खींचती हुई वहाँ से ले जाती है। भाभी ये लोग बहुत खतरनाक है, इनसे मत उलझिए। आभा भाभी ने इनसे उलझने की हिम्मत की थी तो इन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। मुझे सच सच बता क्या हुआ था, तो इतनी डरी हुई क्यों है, कोई ना कोई बात जरूर है। भाभी हम गांव की औरतें जब भी यहाँ पर नहाने आते तो ये विमलेश और उसके दोस्त तरह तरह के भद्दे मजाक करते। आभा भाभी ने इसकी शिकायत मुखिया जी से कर दी। मुखिया जी, हम गांव की बहु बेटियां हैं, जमींदार साहब का बेटा महिलाओं के नहाने के तालाब के पास बैठकर भद्दे मजाक करता है, हमारा नहाना मुश्किल हो गया है। मुखिया जी ने पंचायत रखी, लेकिन अगले दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर नहाने आई तो उन्होंने हम सबके कपड़े छुपा दिए। कपड़े ढूंढने के लिए जब हम पानी से बाहर आए तो इन्होंने हमारे MMS बनाए और विमलेश ने मुझे धमकाते हुए कहा। देख रीता, कल पंचायत में जब मुखिया जी पूछेंगे कि तुम लोगों को हम लोगों के औरतों के नहाने के तालाब के पास बैठने में कोई परेशानी नहीं है तो ना कह देना, वरना ये सारे वीडियोस वायरल कर दूंगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, अब तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आज शाम को ही इसकी व्यवस्था कर देती हूँ। शाम को सौम्या अकेले ही नहाने आती है और तालाब में नहाने लगती है। ये देखकर विमलेश उसके पास आता है और कहता है, अरे भाभी जी आप तो बिल्कुल जल परी लग रही हैं। अगर बुरा ना माने तो आपकी एक तस्वीर खींच लूं। क्यों नहीं देवर जी, मुझे तो आप पहले दिन से ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको भी मेरा स्विमिंग सूट पहनना होगा, फिर मिलकर स्विमिंग करते हैं। ये क्या, मैं भला स्विमिंग कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकता हूँ? सोच लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप भी क्या याद रखेंगी, लाइए पहन लेता हूँ। विमलेश सौम्या का दिया हुआ स्विमिंग सूट पहनकर तालाब में आ जाता है और उसके तालाब में आते ही रीता उसके कपड़े लेकर छुपा देती है और उसकी सहेलियां उसके वीडियो बनाने लगती हैं। ये क्या बदतमीजी है, मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। विमलेश भैया, औरतों का स्विमिंग सूट पहनकर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अब ये फोटो तो हम भी वायरल करेंगे। तू अपनी मौत को दावत दे रही है रीता, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। गाँव की औरतें मुखिया जी के साथ बाहर निकल आती है। क्या हुआ विमलेश बाबू, आप तो शर्म से गड़े जा रहे हैं, चलिए ना मेरी फोटो लीजिए और MMS नहीं बनाएंगे। रीता जरा यहाँ विमलेश बाबू को MMS बनाने में मदद तो कर। रीता तालाब के किनारे रखा विमलेश का फोन उठाकर सबको उसके बनाए हुए MMS और गांव की औरतों की नहाते हुए खींची गई फोटोज दिखाती है। बताओ विमलेश, तुम्हें क्या सजा दी जाए? मुखिया जी, इसकी सजा ये है कि आज सबके सामने अपनी माँ का इसे MMS बनाना होगा, तब जाकर भैया को समझ में आएगा कि सबकी माँ बेटी एक बराबर होती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैं अपने फोन से खींची गई सारी फोटोज हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता हूँ। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और सौम्या को कंधे पर उठा लेते हैं। ओह माय गॉड, मुझे कम से कम कपड़े तो पहन लेने दो, वरना माँ और पिताजी घर में भी नहीं घुसने देंगे। सब लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद गांव की औरतों के नहाने में कभी कोई बाधा नहीं पड़ती।